ये मत समझिए कि कश्मीर पर गलतियों का सिलसिला यहीं थम गया। मुझे दुष्यंत कुमार की चार पंक्तियां याद आ रही हैं, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। कई इतिहासकार बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान उस वक्त अपनी छवि बनाने पर था। वो खुद को आदर्शवादी, शांतिप्रिय और निर्विवादित विश्व नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे और इसी कोशिश में उनसे एक के बाद एक भूलें होती रही। ऐसी ही एक भूल थी अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 का वरदान दे दिया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दावा किया जाता है कि यह वरदान पंडित नेहरू ने दोस्ती की खातिर दिया था। जम्मू कश्मीर में उन दिनों एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उन दिनों पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती के बड़े चर्चे थे। जम्मू कश्मीर में शेख को पंडित जी का आदमी कहा जाता था। लोग दशकों से पूछते रहे कि विलय के साथ जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, फिर क्यों जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जरूरत क्या थी। बात 1948 की है। भारत के संविधान का ड्राफ्ट बन रहा था। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि उन्हें संविधान सभा में जगह मिले। और जगह क्यों मिले, वो क्यों चाहते थे? ताकि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 मिले। अनुच्छेद 370 का मतलब क्या था? अनुच्छेद 370 का मतलब था एक देश दो झंडा दो विधान। अनुच्छेद 370 का मतलब था एक देश पर दोहरी नागरिकता। अनुच्छेद 370 का मतलब था तिरंगे के अपमान की आजादी। अनुच्छेद 370 का मतलब था कश्मीर में शेष भारतीयों पर पाबंदी। आप वहां के ना नागरिक हो सकते थे, ना वहां जमीन खरीद सकते थे। रक्षा, संचार, वित्तीय और विदेश मामलों को छोड़कर भारत का कोई कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो सकता था। इस प्रावधान में एक और विवादित पहलू यह था कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करे तो उस पाकिस्तानी व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल जाती। लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़की अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी करती तो कश्मीर में उस लड़की को मिलने वाले सारे अधिकार छीन लिए जाते। क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो अब नेहरू के सामने दोस्ती का इम्तिहान था। संविधान तैयार हो रहा था, नेहरू की पैरवी हुई और शेख अब्दुल्ला को संविधान सभा में जगह मिल गई। संविधान सभा में जब बात कश्मीर की आई तो शेख अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा चाहिए, अनुच्छेद 370 चाहिए, अलग झंडा और अलग विधान चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा एक देश दो विधान नहीं चलेगा। सरदार पटेल भी यही चाहते थे जो बाबा साहब चाहते थे। लेकिन पंडित नेहरू ने ना डॉक्टर अंबेडकर की सुनी ना सरदार पटेल की, उन्होंने दोनों की बातों को खारिज कर दिया और अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को 370 का वरदान दे दिया। कुछ ही समय बाद धारा 35A जोड़कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि परिवारवाद और अलगाववाद हावी हो गए। कुछ दशकों के बाद आतंकवाद भी पनपने लगा। लहू से खेलते थे सब फरिश्ते, सियासत फातिहा पर चल रही थी। धरती का स्वर्ग होकर भी हमारा कश्मीर पिछड़ता चला गया। सूफी परंपरा खाक हो गई, पंडितों की हस्ती खेलती बस्तियां राख हो गई। जहां सन्नाटे सर फोड़ के सो जाते हैं, उन मकानों में अजब लोग रहा करते थे। आजादी के 70 साल हो चुके थे, लेकिन न वो बदले न हम बदले। किसे पता था कि आजादी का 73वां अगस्त इतिहास बदल देगा।
चाचा नेहरू के 370 वाले उस फैसले को एक चाय वाला सुधार देगा। 5 अगस्त 2019 की सुबह आई, अनुच्छेद 370 से आजादी लाई। 370 भी हट गया, अलगाववाद का अंधेरा भी छट गया। कश्मीर के भटके हुए नौजवानों को सद्बुद्धि मिल गई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को सिद्धि मिल गई। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। अब नया कश्मीर है, नया सवेरा है, वो आपका भी उतना है जितना मेरा है। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.